हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम बात करेंगे ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में अभी ट्रांजिशनल पोइट्स को कर रहे हैं, वो ट्रांजिशनल पोइट जो रोमांटिसिज्म की एज से पहले के हैं। ठीक है, तो इन सभी राइटर्स को हम वन बाय वन कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जेम्स थॉमसन को पढ़ा है, आज हम ओलिवर गोल्डस्मिथ को पढ़ेंगे, कल हम थॉमस ग्रे के बारे में बात करेंगे। सो इसीलिए जो सीक्वेंस मैं बना रही हूँ इसको आपने जरूर फॉलो करना है, सीक्वेंस मिस नहीं करना कोई भी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और आज बात करते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में। इनका लाइफ स्पैन रहा है फ्रॉम 1728 टू 1774, लाइफ स्पैन है ये इनका। ओलिवर गोल्डस्मिथ एक एंग्लो आयरिश प्लेराइट रहे हैं, ये एक पोइट रहे हैं एंड एंग्लो आयरिश नॉवेलिस्ट भी ये रहे हैं। इनके पैट्रन कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पैट्रन कौन होते हैं ना, जो राइटर्स की राइटिंग्स को पब्लिश कराने में हेल्प करते हैं, फिनेंशियली हेल्प करते हैं, राइटिंग्स को एडिट कराने में हेल्प करते हैं। सो इन सब चीज़ों में कौन हेल्प करते हैं, पैट्रन। सो ओलिवर गोल्डस्मिथ के जो पैट्रन है वो आपको याद रखना है, वो कौन थे, लॉर्ड क्लेयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लॉर्ड क्लेयर का नाम याद रखना है। देखो, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने बहुत सारी मैगजीन्स, बहुत सारे पीरियोडिकल्स में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। सो आपको उन सभी पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन्स का नाम याद रखना है। सो इन्होंने द क्रिटिकल रिव्यू इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। द क्रिटिकल रिव्यू, ये जो पीरियोडिकल है ये थी टोबायस स्मोलेट की। एक्चुअली इस पीरियोडिकल को सबसे पहले तो एडिट किया था टोबायस स्मोलेट ने, और इसी में ओलिवर गोल्डस्मिथ ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इसको फर्स्ट एडिट किसने किया था, टोबायस स्मोलेट ने। द क्रिटिकल रिव्यू रैन फ्रॉम 1756 टू 1817, मतलब ये इसका रनिंग टाइम पीरियड था इस पीरियोडिकल का। अब टोबायस स्मोलेट के अलावा अदर कॉन्ट्रीब्यूटर कौन थे, वो मैंने यहाँ लिस्ट लिखी हुई है। सो द क्रिटिकल रिव्यू में टोबायस स्मोलेट के अलावा किस किस ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, सैमुअल जॉनसन, डेविड ह्यूम, जॉन हंटर एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ। द क्रिटिकल रिव्यू के अलावा इन्होंने द मंथली रिव्यू, इसमें भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। किसने, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने क्रिटिकल रिव्यू एंड द मंथली रिव्यू, इन दोनों में ही अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। इसके अलावा इनका नेम परमानेंटली जुड़ा हुआ था द बी के साथ। ये एक मैगजीन निकाली थी, ये मैगजीन किसने निकाली थी, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने ही निकाली थी ये मैगजीन। एंड इट स्टार्टेड ऑन 6 अक्टूबर 1759। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने द बी में बहुत सारे एसेज को डाला है, जिसमें से एक एसे है एन इंक्वायरी इनटू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोलाइट लर्निंग इन यूरोप। सो ये आपको इस एसे का नाम याद रखना है। तो ये एक एसे था जो इन्होंने द बी में पब्लिश किया था 1759, ये एसे भी 1759 में आया था। इसके अलावा इन्होंने द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, इसे भी पब्लिश किया था द बी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। द बी में इन्होंने काफ़ी सारे एसेज वगैरह डाले थे, जिसमें से आपको एक तो ये एसे का नाम याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपने भूलना ही नहीं है, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड जो इन्होंने द बी में पब्लिश की थी। लेकिन द बी जो है ना, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए चली थी, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड। सो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, दैट इज इट रैन फॉर अराउंड 8 वीक्स, सिर्फ और सिर्फ 8 हफ्ते ये जो है चली थी द बी, एंड 8 वीक्स के लिए ये रन हुई थी, एंड इट रैन फॉर सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्लस ये पूछा जा सकता है कि जब द बी, क्योंकि द बी जो है वो पब्लिश हुई थी जस्ट फॉर 8 वीक्स, एंड इसे वीकली पब्लिश किया जाता था, लेकिन जब द बी में जो ये ऐसे है ना,
ये ऐसे पब्लिश होता था, लेकिन द भी जब क्लोज हो गई तो ये ऐसे कहाँ पब्लिश हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. सो द भी जब क्लोज हो गई थी तो उसके बाद द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड को इन्होंने द पब्लिक लेजर इस मैगजीन में इन्होंने इसे पब्लिश किया था. मैं दोबारा बताती हूँ, देखो इन्होंने पहले कॉन्ट्रीब्यूशन दिया क्रिटिकल रिव्यू में. क्रिटिकल रिव्यू किसका पीरियोडिकल था? टोबायस स्मॉलेट का. टोबायस स्मॉलेट के अलावा अदर कॉन्ट्रीब्यूटर ये थे द क्रिटिकल रिव्यू में, जिसमें से एक थे ओलिवर गोल्डस्मिथ, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं. फिर इसके अलावा ओलिवर गोल्डस्मिथ ने द मंथली रिव्यू में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, जो एक पीरियोडिकल थी. फिर इन्होंने, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने खुद द भी शुरू की थी, बट ये शॉर्ट पीरियड के लिए चली थी. एंड फिर इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट मैगजीन निकाली, दैट वॉज द पब्लिक लेजर. तो जो ये वर्क था, ये ऐसे जो है द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये पहले द बी में पब्लिश होता था, बट द बी जब क्लोज हो गई तो इन्होंने इस ऐसे को द पब्लिक लेजर में पब्लिश करना शुरू कर दिया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे दोबारा बताया. ओलिवर गोल्डस्मिथ ना एक लिटरेरी क्लब के मेंबर भी थे, ठीक है? ये एक लिटरेरी क्लब के मेंबर थे, एंड इस लिटरेरी क्लब में इनके साथ सैमुअल जॉनसन भी थे. सैमुअल जॉनसन इनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए थे जब इन्होंने ये एक क्लब ज्वाइन किया था. तो आज जो हमने पार्ट किया है वो है ओलिवर गोल्डस्मिथ का पार्ट वन. कल हम बात करेंगे पार्ट टू के बारे में, क्योंकि कल की वीडियो में हम ओलिवर गोल्डस्मिथ के सारे वर्क पढ़ेंगे. आज तो हमने इनकी बायोग्राफी पढ़ी, कल हम वर्क्स पढ़ेंगे सारे के सारे. एक पार्ट में मैं इंक्लूड इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, क्योंकि ओलिवर गोल्डस्मिथ के वर्क बहुत ज़्यादा हैं और सारे ही वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा सा उसको डिटेल में हम करेंगे. सो सेकंड पार्ट ओलिवर गोल्डस्मिथ का देखना बिल्कुल मत भूलना. जब वो वीडियो आ जाएगी मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. ऐसे लिखा मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो ओलिवर गोल्डस्मिथ की, ठीक है? और वैसे भी मैं सीक्वेंस में वीडियो बनाती हूँ. जो मेरी इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो शुरू से देखते हैं उनको पता है कि मैं सीक्वेंस डालती हूँ हमेशा इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोज पर, तो एक बार सीक्वेंस चेक कर लेना. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इसी के साथ साथ मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना. इन दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे. दिस इज प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.